Hello everyone, my name is Tarun Goyal and in this video we are going to discuss the NDA First 2017 history questions. Now as you know, in this series of videos we are taking various NDA papers. In fact, various NDA papers means that we are taking the last 5 NDA papers, last 5 years NDA papers. That in itself means that we will be taking 10 NDA papers in all. Now the topic of the day is the history questions. We'll be taking the history questions of NDA First 2017. So let's start with the history questions, and the first question which is there on your screen is about the subsidiary alliance policy of Lord Wellesley. Now UPSC ne is particular question ko Lord Wellesley ke saath connect kara hai. Although subsidiary alliance की policy Lord Wellesley की original policy नहीं थी, ये policy जो थी originally, ये policy थी Lord Dupleix की. Dupleix जो कि French Governor General थे, जिन्होंने India में French power को establish करने में एक बहुत important role play करा था, ये basically उनकी policy थी. लेकिन फिर भी UPSC ने इस policy को Lord Wellesley के साथ connect करके पूछा है कि Lord Wellesley ने जो अपनी policy दे रखी थी, इस particular policy में what was not a feature. Now point to be noted, not a feature देखना, यानी कि तीन जो होंगे features होंगे और एक ऐसा point होगा जो feature नहीं होगा. तो we have to identify that feature which is not the right feature. Now in इस policy को अगर आप देखेंगे, important point is, इस policy में जो Britishers थे उन्होंने अपने ऊपर responsibility ली थी, यानी जो British East India Company थी उनकी responsibility थी कि जो Indian ruler हुआ करते थे उस time में उन्हें किसी भी तरीके से झांसे में लेना था, फांसना था, ताकि ब्रिटिशर्स के जो ट्रूप्स हैं वो इंडियन रूलर की टेरिटरी में आ जाएं, एंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रूप्स इवेंचुअली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू एक्वायर या यूज्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ द किंगडम ऑफ द इंडियन रूलर्स. तो इसमें तीन चार चीज़ें हैं विच यू शुड नो. फर्स्ट थिंग कि द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, दैट इज FAQ, कि किस इंडियन रूलर ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को अपनाया था. तो दैट वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अलाय के या रूलर के, इंडियन रूलर के टेरिटरी में ब्रिटिशर्स अपनी फौज भेज दिया करते थे. दूसरी चीज़, जो उस फौज को मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते थे, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो इंडियन रूलर अपने आप ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड किया करता था. यानी कि इंडियन रूलर्स के खर्चे पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी फौज को न सिर्फ इंडियन रूलर के एरिया में इस्टेब्लिश कर दिया करते थे, बल्कि अपना पूरा पूरा मेंटेनेंस चार्जेस भी उनसे ले लिया करते थे. देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि इंडियन रूलर को अपने हेडक्वार्टर्स में एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट करना होता था, रादर स्टैब्लिश स्टेशन करना होता था. ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था, इस पर्टिकुलर पर्सन के पूछे बिना दैट इंडियन एलाय वॉज नॉट सपोज टू यू नो एंटर इंटू एनी अग्रीमेंट विद एनी रूलर विच हु वॉज लाइक अराउंड हिज ओन टेरिटरी. तो ब्रिटिशर्स की जो इंडियन जो ये रेजिडेंट हुआ करता था उसकी परमिशन के बिना दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इंटू एनी अलायंस. इसीलिए द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज ऑल इंटरनल थ्रेट्स वर टू बी हैंडल्ड बाय द एलाय अलोन विद नो हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश, बिकॉज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों मामलों में ब्रिटिशर्स उस इंडियन रूलर की हेल्प करा करते थे. राइट, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ NDA फर्स्ट 2017 ऑफ हिस्ट्री इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द बुक फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब. नाउ द ऑप्शन आर भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सूर्य सेन और यशपाल. सबसे पहले तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, सूर्य सेन और यशपाल खत्म हो जाते हैं, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह रहता है. वो बात अलग है, इवेंचुअली इस क्वेश्चन का आंसर भगत सिंह भी नहीं है, लेकिन यूपीएससी ने इसमें भगत सिंह ही आंसर दिया है. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिवोल्यूशनरी कॉल्ड भगवती चरण वोहरा. दैट वॉज द नेम ऑफ द रिवोल्यूशनरी. ही वॉज एक्चुअली एन एसोसिएट ऑफ भगत सिंह. भगत सिंह का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, शायद आपको पता हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में पंजाब नौजवान सभा करके उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था. उस ऑर्गेनाइजेशन में भगवती चरण वोहरा जो थे वो भगत सिंह के साथ हुआ करते थे.
देन 1928 में जो HSRA बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सितंबर 1928 में आपको पता है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें भी भगवती चरण वोरा ने पार्टिसिपेट करा था। देन आपको पता है सॉन्डर्स की का मर्डर हुआ था, सॉन्डर्स की हत्या हुई थी बाय भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें भी भगवती चरण वोरा वॉज अ पार्टी। देन इवेंचुअली जो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके जो सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, उसमें भी भगवती चरण वोरा वॉज अ पार्टी। जब भगत सिंह की उसके बाद गिरफ्तारी होती है तो भगवती चरण वोरा जो है एक लाहौर में एक बॉम्ब फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। उनका इरादा था कि ये बॉम्ब फैक्ट्री में कुछ इस तरह का बॉम्ब बनाया जाए जिससे कि पहले तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा लॉर्ड इरविन को कि जब उस टाइम में बॉम्ब जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो उनकी ट्रेन के नीचे उन्होंने बॉम्ब लगाया, बट वो असैसिनेशन का अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसमें उन्होंने अगला जो कोशिश थी वो उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से मैं लाहौर जेल से भगत सिंह को छुड़वा लूँ। ना उसी दौरान जब लॉर्ड इरविन के ऊपर ये अनसक्सेसफुल असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था तो महात्मा गांधी ने एक अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द कल्ट ऑफ बॉम्ब। तो उस आर्टिकल में महात्मा गांधी ने इस एक्ट की आलोचना करी थी, कंडेम करा था इस एक्ट को। तो उस गांधी जी के उस आर्टिकल के रिस्पॉन्स में भगवती चरण वोरा ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलके या उनके एक कंसल्टेशन में आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जिसमें उन्होंने यंगस्टर्स से अपील करी थी कि वो आगे आएं और क्रांतिकारियों के साथ रिवोल्यूशनरीज का ज्वाइन करें ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके। तो बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भगवती चरण वोरा, लेकिन क्योंकि भगवती चरण वोरा ऑप्शन में नहीं है तो हम लोगों को आंसर में जाना पड़ेगा भगत सिंह के लिए। तो द राइट आंसर इज ए भगत सिंह। Now the next question of NDA First 2017 of history is regarding Chittagong Armory Raid. जैसा आपको पता है Chittagong जो present बांग्लादेश में जगह है, चटगांव के नाम से जाना जाता है, वहाँ की आर्मरी में एक रेड हुई थी in April 1930. तो इस आर्मरी की रेड के ऊपर ही इस क्वेश्चन को बनाया गया है कि इस आर्मरी में जो रेड हुई थी इसको लीड कौन कर रहे थे और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन में अगेन द एग्जामिनर हैज आस्क्ड, यूपीएससी हैज आस्क्ड कि इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द पॉइंट टू बी नोटेड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपने बुक में देखा है सूर्य सेन जो इस रेड के मास्टरमाइंड थे वो स्कूल टीचर हुआ करते थे, ही वॉज अ स्कूल टीचर, जबकि इसमें बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि वो लॉयर थे ग्रुप ज्वाइन करने से पहले, विच इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। सूर्य सेन के बारे में आपने डिटेल्स पढ़े होंगे कि वो मास्टर दा के नाम से फेमस थे अपने एरिया में। मास्टर दा, दा का मतलब आपको पता है बंगाली में एल्डरली पर्सन को बोला जाता है। ही वॉज एक्चुअली अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ स्कूल आउट देयर। तो इन्होंने एक रिवोल्यूशनरीज के ग्रुप को बेसिकली लीड करा था जिसमें इन्होंने इवेंचुअली रेड करके इस शस्त्रागार को, इस आर्मरी को लूट लिया था। लेकिन वो बात अलग है कि इसमें एमिनिशन इन्हें बहुत लंबा चौड़ा नहीं मिल पाया था, तो ये एक इशू रहा था इसमें। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉय या बी ऑप्शन, जिसमें कि सूर्य सेन को इन्होंने एक लॉयर बताया हुआ है, जबकि द राइट आंसर इज ही वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन। Okay, now the next question is about the Quit India Movement. और इसमें पूछा गया है कि but which one of the following was a significant feature? Now इसमें not नहीं है, इसमें significant feature पूछा गया है। Quit India Movement, as you know, it was led by Gandhi ji. Although it was started by Gandhi ji, but was not led by anyone. But फिर भी उसके जो Congress की तरफ से जिस particular leader ने इस particular movement को start करवाया था, it was held under the leadership of Gandhi ji, it was supposed to be held under the leadership of Mahatma Gandhi. To is movement ke se related hai ki isme kya khas baat thi, most important aspect, significant feature is particular movement ka important aspect ye tha ki parallel governments bani thi, samanantar sarkare bani thi, yani India mein kai jagahon par
जो उस टाइम के ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, उन सबको भगा दिया गया था या मार दिया गया था। और इवेंचुअली लोकल लेवल पर लीडर्स ने, लोकल लेवल पर लोगों ने अपने हाथ में जो गवर्नमेंट है वो ले ली थी। तो दैट थिंग वॉज बेसिकली कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट। तो इसमें जो पहली पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी वो यूनाइटेड प्रोविंस, जो प्रेजेंट का जो उत्तर प्रदेश है, दैट वॉज कॉल्ड यूनाइटेड प्रोविंस इन दोज डेज। तो यूनाइटेड प्रोविंस में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बलिया, बलिया में पहली पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी अंदर चित्तू पांडे। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर प्लेसेस में भी बनी थी, जैसे तामलुक करके एक जगह पड़ती है इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, तो वहाँ पर ये बनी थी। देन सतारा, महाराष्ट्र में जो जगह है सतारा, वहाँ पर भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर पैरेलल गवर्नमेंट जो सतारा वाली थी, ये तो बहुत लंबे टाइम तक चली थी, फ्रॉम 1943 टिल 1946 दिस पर्टिकुलर पैरेलल गवर्नमेंट रैन। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, इमरजेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बिकॉज इस टाइम में ही ये सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था। बाकी चीज़ों में एज फार एज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वॉज कंसर्न, वो तो 1930 में जो स्टार्ट हुई थी आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसी से स्टार्ट हो गया था। बाकी नासिक एक इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर उभरा था, देन इसमें एंटी जमींदार वॉयलेंस, ये सब चीज़ें हुई थी। इंडियंस ने पूरा इसमें पार्टिसिपेशन दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जैसे कि लीडरलेस रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, राइट? तो इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता आया है, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू खिलाफत मूवमेंट। इसमें अगेन बताना क्या है कि इसमें से क्या सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। नाउ खिलाफत मूवमेंट आपको पता है, खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली जिनका पूरा नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, ये तो दो भाई थे। उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने भी इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में, कैंपेन को चलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इस मूवमेंट में जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या था, इसका रीज़न क्या था इस मूवमेंट का, इंडियन मुस्लिम्स ने इसे क्यों स्टार्ट करा था? तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू रिस्टोर द कैलिफ ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो उस टाइम में खलीफा या कैलिफ हुआ करते थे ऑटोमन एम्पायर के। तो इन्हें जो है, इन्हें माना जाता था, लीडर माना जाता था इन्हें सुन्नी मुस्लिम्स का, इंटरनेशनली जो सुन्नी मुस्लिम्स हुआ करते थे वो इन्हें अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी माना करते थे। तो इनके साथ कुछ ह्यूमिलिएटिंग सैंक्शंस इनके ऊपर लगाए गए थे। एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सर्व्स, और उससे पहले एक ट्रीटी आई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साय। तो इन दोनों ट्रीटीज़ में जो अलाइड फोर्सेज थी, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की को हरा दिया था, तो टर्की के या उस टाइम के ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, कैलिफ थे, उनके ऊपर जो ह्यूमिलिएटिंग सैंक्शंस लगाए गए थे, तो उसके अगेंस्ट में ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नाउ इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हमें आइडेंटिफाई करना है, अगर आप बी ऑप्शन देखोगे, इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। एक्चुअली दिस खिलाफत मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। इस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने पूरा सपोर्ट करा था, और बल्कि नवंबर में एक खिलाफत की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, इट वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। हालांकि गांधी जी इसमें की जो सोच थी, वो सोच क्या थी, गांधी जी कहते थे कि ये खिलाफत जो है ये एक ऐसा मौका है जो अगले 100 साल तक भी हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को एक रखने के लिए या मजबूत रखने के लिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच माइट नॉट हैपन इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। एक और पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो उस टाइम में कांग्रेस में हुआ करते थे, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोला था कि आप, मैंने गांधी जी से कहा गया था कि आप जो हैं रिलीजन को और पॉलिटिक्स को आपस में मर्ज ना करें, आपस में मिक्स ना करें, जो कि खतरनाक हो सकता है। बट गांधी जी की अपनी सोच ये थी कि ऐसा सुनहरा मौका, दिस लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस वुड नॉट हैपन, वुड नॉट अकर इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑल्सो। तो इस खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी यानी कि कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने जॉइंटली इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। तो द राइट आंसर इज बी, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, बिकॉज एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट में पूरा कांग्रेस ने अपनी तरफ से सपोर्ट दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेलवेज व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1853। क्वेश्चन अगेन यूपीएससी ने नॉट अ फीचर पूछा है, तो ध्यान रखना है इसमें तीन चीजें करेक्ट होंगी and one of the options would be incorrect, so we have to identify the incorrect statement. Now this question says about the main purpose of the setting up of railway in India was to serve the interest of the empire. This is very obvious, kyunki britishers ne jo ye train chalwai thi shuruaat mein 1853, you know, lord dalhousie was the
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. तो उनके टाइम में पहली रेल चली थी, उसके बाद फिर ये पूरा सिलसिला स्टार्ट हो गया. बट द पॉइंट इज, इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो इंडियंस की भलाई करना नहीं था. दे ओनली वॉन्टेड टू बेनिफिट देयर ओन पीपल, देयर ओनली वॉन्टेड टू पेनिट्रेट द होल कंट्री इन अ वे दैट दे वर कनेक्टिंग द इंटरनल इंडियन मार्केट्स विद पोर्ट्स, सो दैट जो इंडिया से वो लेके जाते थे, यू नो दे यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटीरियल फ्रॉम इंडिया एंड दे यूज टू इम्पोर्ट द फिनिश गुड्स विच वर मेड इन लंडन एंड एडजॉइनिंग एरियाज. तो ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरनल मार्केट्स को पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया जाए और किसी भी तरीके से इंटरनल मार्केट को बाकी एक दूसरे के एरिया से ना जोड़ा जाए, ताकि सीधा सीधा ब्रिटिशर्स का माल इंडिया में जब आना है वो आए, और जब इंडिया से बाहर जाना है तो वो चला जाए. नो, इसमें जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन. इफ यू कैन सी द सी ऑप्शन, द कंस्ट्रक्शन वर्क डिस्टर्ब्ड इकोलॉजी. दिस क्वेश्चन डजंट मेक सेंस बिकॉज बाकी सारे ऑप्शंस वैसे भी करेक्ट हैं. इफ यू आर लुकिंग एट द अदर ऑप्शंस, दिस सेज कि द ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वर इन्वाइटेड एट 15% गारंटीड इंटरेस्ट टू बी पेड इफ नेसेसरी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू. एक्चुअली जो शुरू में रेलवे चलाई गई थी, ये एक प्राइवेट कंपनीज ने इस पर्टिकुलर रेलवे वाले इस चीज़ को रन करा था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे को रन नहीं करा था शुरुआत में. उन्हें गारंटी भी दी गई थी कि आपको कम से कम 15% का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो द राइट आंसर इज सी, द कंस्ट्रक्शन वर्क डिस्टर्ब इकोलॉजी. ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि, राइट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, एज यू कैन सी the part that Bengal united is a power, Bengal divided will pull in different ways. ये British सोच को, उस time के जो Britishers की thought process था उसे दिखाता है. This statement was given by H.H. Risley, as you can see B option, H.H. Risley. This Risley guy, he was the secretary of the government of India at that time. And this statement was given to him on December 6, 1904. इस स्टेटमेंट में ब्रिटिशर्स की उस टाइम की सोच झलकती है कि ब्रिटिशर्स से सोचते थे जब तक बंगाल का पार्टीशन नहीं होगा तब तक हम लोग इंडिया को, जो उस टाइम में स्पेशली जो बंगाल में जो नेशनलिज्म उस टाइम में उभर रहा था, जो राइज पर था, उसमें कम्युनल गल्फ बना के, कम्युनल गल्फ का मतलब है बीच में खाई बना के हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, उसे खत्म करा जाए, उसे अपनी तरफ से डैमेज पहुंचाएं. तो इसीलिए ये बंगाल के पार्टीशन का डिसीजन लिया गया था अंडर द वाइस रॉयलशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन. एंड इवेंचुअली बंगाल वाज पार्टीशनड ऑन 16th of October 1905. यू रिमेंबर दैट, आपने पढ़ा होगा बुक में. तो वंदे मातरम उस टाइम में वॉर क्राई बन गया था. रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी टाइम में ही अमार सोनार बांग्ला नामक एक सॉन्ग क्रिएट करा था, जो कि इवेंचुअली 1971 में जब बांग्लादेश बना था उनका वो नेशनल एंथम भी बन के उभरा. तो ये पर्टिकुलर जो टाइम था, ये लॉर्ड कर्जन का टेन्योर था जिसमें कोशिश ब्रिटिशर्स की ये थी कि इंडियन नेशनलिज्म को ब्रेक करा जाए, उसके इंटरनली उन्हें इस तरह से एक स्कीज्म क्रिएट करा जाए ताकि जो भी नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो डिवाइड हो जाएं बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स. तो इसीलिए ये चीज़ करी गई थी. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, H.H. Risley, हु वॉज द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बारडोली सत्याग्रह विच टुक प्लेस इन द ईयर 1928. सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हु लॉन्च द बारडोली सत्याग्रह ऑन 4th February 1928. द राइट आंसर, यू नो द राइट आंसर इज वल्लभ भाई पटेल. इनफैक्ट बारडोली प्रॉब्ली आपको पता है, बारडोली इज अ प्लेस इन प्रेजेंट डे गुजरात. तो वहाँ पर ये सत्याग्रह करा गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जिसमें फार्मर्स वर वेरी डिस्ट्रेस्ड एट दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम में उसे 2-3 साल पहले तक में फ्लड और फैमिन दोनों वहाँ पर उस टाइम में बुरी तरह से आए थे, जिससे फार्मर्स की क्रॉप्स में बहुत डैमेज हुआ था. और ब्रिटिशर्स ने उस टाइम में क्या करा था, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर रेवेन्यू जो था और बढ़ा दिया था. तो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पूरा मूवमेंट करा था, और ये मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट था. और यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो टाइटल है, जो उपाधि है, वो वहाँ के लोगों ने दी थी आउट ऑफ रिस्पेक्ट. सरदार मीन्स द हेड, राइट. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉय, दैट इज बी ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग Princely states did not support. Now, point is did not support the Congress during the course of the civil disobedience movement.
Now, first thing first, you need to know about the civil disobedience movement. Civil disobedience movement was launched by Gandhiji on 6th April 1930. Iske liye unhone ek Dandi March kara tha. You might have gone through that thing in the book. Dandi March started by Gandhiji from his Sabarmati Ashram. Unhone 78 apne followers chune the, jo ki us time mein Sabarmati Ashram mein unke saath reside karte the. तो उन्हें हैंड पिक कर रहा था 78 फॉलोवर्स को, तो उनके साथ उन्होंने स्टार्ट करा था ऑन 12th of March 1930. कहाँ के लिए? टू अ विलेज कॉल दांडी, राइट? इट वाज अ कोस्टल विलेज ऑफ दैट टाइम. ये जो मार्च था, इसे सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च को सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं. व्हाई नाउ, व्हाई सॉल्ट सत्याग्रह? सॉल्ट सत्याग्रह इसलिए बिकॉज 1882 का एक कानून हुआ करता था अंग्रेजों का, जो कि कहता था कि इंडियंस वर नॉट अलाउड, यू वर नॉट सपोज टू मेक सॉल्ट ऑफ देयर ओन, और उन्हें उसके ऊपर टैक्स पे करना होता था. तो उसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने अपना सॉल्ट सत्याग्रह करा था. तो जब इवेंचुअली ये 6 अप्रैल को पहुंचे थे आफ्टर ट्रैवलिंग 240 miles, ध्यान से देख लीजिएगा, 24 days थे, स्टार्टिंग ऑन 12th of March एंड फिनिश्ड ऑन 6th of April. तो 24 days में उन्होंने 240 miles का डिस्टेंस ट्रैवल करा था, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 miles पर डे. और 6 अप्रैल को, 6th of April को मॉर्निंग में उन्होंने सॉल्ट उठा के वहाँ पर उस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था. तो क्वेश्चन, और वहाँ से उस ब्रेक करने के बाद उन्होंने वहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत का पहला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसे लॉन्च करा था. नाउ द क्वेश्चन सेज कि इनमें से किस प्रिंसली स्टेट ने उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करा था? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, जूनागढ़. जूनागढ़ की जो रियासत थी, जूनागढ़ की जो प्रिंसली स्टेट थी, उसने इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करा था. जबकि जो बाकी ऑप्शंस हैं इसमें, आप देखोगे भावनगर, मैसूर, काठियावाड़, उन सब एरिया से पूरा सपोर्ट आया था, बट जूनागढ़ से कोई सपोर्ट नहीं आया था प्रिंसली स्टेट से. तो द राइट आंसर इज सी, जूनागढ़. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द थॉट एंड फिलॉसफी ऑफ कंदुकुरी वीर सालिंगम पंतलु. आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, जो आपने सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग देखी होगी 19th century में जो हुई थी इंडिया में, उसमें पंतलू साहब का नाम बहुत प्रोमिनेंटली लिया जाता है. आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने एफर्ट करा था उस टाइम के जो समाज में, उस टाइम की सोसाइटी में वुमेन्स एजुकेशन के लिए. ही वर्कड अलॉट, देन ही ऑल्सो वर्कड ऑन द रीमैरिज ऑफ विडोज, दैट वॉज अ बिग इशू एट दैट टाइम. ही वॉज अगेंस्ट द डाउरी सिस्टम एट दैट टाइम. तो उनके बारे में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी क्या सोच नहीं थी. अगर आप इसके चारों ऑप्शंस को देखोगे, इफ यू लुक एट द ऑल द फोर ऑप्शंस, यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ए, सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स को शो कर रहे हैं, जबकि ये एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे. जबकि जो बी ऑप्शन है, वो साफ साफ कह रहा है ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एजुकेशन. ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एजुकेशन बिकॉज एक्चुअली ही एनकरेज वुमेन एजुकेशन अ लॉट. इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, दिस वीर सालिंगम इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ रिनाइसेंस मूवमेंट इन तेलुगु एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द राजा राम मोहन रॉय ऑफ आंध्रा. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एजुकेशन, बिकॉज दैट इज द ओनली लॉजिकली करेक्ट आंसर अमंग द फोर ऑप्शंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कैलीग्राफर हु वॉज देयर इन अकबर्स कोर्ट, कि इनमें से किस पर्सन को अकबर ने जर्री कलम का टाइटल दिया था, वो ऑनर कर रहा था जर्री कलम से. तो द राइट आंसर, जर्री कलम मीन्स ऑब्वियसली गोल्डन पेन, राइट? तो द राइट आंसर अमंग द गिवन ऑप्शन इज मोहम्मद हुसैन. मोहम्मद हुसैन जो थे, ही वॉज अ कश्मीरी और ही वॉज अ कैलीग्राफर, ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, एंड वॉज देयर इन द कोर्ट ऑफ अकबर. तो दिस मोहम्मद हुसैन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जर्री कलम, द गोल्डन पेन, बाय एम्परर अकबर. आप अकबर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस अकबर के रिलेटेड पूछता है. स्पेशली अगर आप मुगल्स को देख रहे हैं, तो बाबर, अकबर, शाहजहाँ, लेटर मुगल्स, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड. तो सी टू इट कि आप अकबर से रिलेटेड, अकबर के नौरत्न क्या थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या थे, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स बाय यूपीएससी इन वेरियस पेपर्स इंक्लूडिंग एनडीए, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनफैक्ट अभी बात हो रही है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मुगल्स अगेन.
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा? बादशाहनामा के बारे में क्वेश्चन है. बादशाहनामा, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि बादशाहनामा इसका नाम, रियल नेम इज लाइक पादशाहनामा, इट्स नॉट एग्जैक्टली बादशाहनामा, पादशाहनामा थोड़ा सा पंजाबी पुट है, राइट. इट वॉज एन ऑफिशियल विजुअल हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां. तो शाहजहां की एक ऑफिशियल एक विजुअल हिस्ट्री है, विजुअल हिस्ट्री इन द सेंस कि बिकॉज इसमें अगर आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह भी बने हुए हैं. तो पेंटिंग से पूरा शाहजहां के टाइम को, शाहजहां के रेन को पूरा इसमें शो करा गया है. तो दिस पर्टिकुलर विजुअल हिस्ट्री वॉज रिटन इन टू वॉल्यूम्स बाय, द आंसर इज अब्दुल हामिद लाहौरी. अब्दुल हामिद लाहौरी वो इज द राइट ऑप्शन. उन्होंने इस पर्टिकुलर हिस्ट्री वाले बुक को क्रिएट करा था, उसमें पेंटिंग्स वगैरह भी हैं. लाहौरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इज रियल नेम वॉज अब्दुल हामिद, लेकिन लाहौरी इसलिए बिकॉज ही एक्चुअली बिलोंग टू लाहौर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, राइट. तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस इज ए, अब्दुल हामिद लाहौरी. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज वीडियो, दिस स्टेटमेंट इज अबाउट फतेहपुर सीकरी. इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फतेहपुर सीकरी. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि फतेहपुर सीकरी इज सिचुएटेड नियर मेन सिटी आगरा. आगरा के पास ये सिचुएटेड है. इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम मुगल्स, बाय मुगल एम्परर अकबर. इसमें जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी की, वो है उसका जो एंट्रेंस है जो बनाया गया है, दैट्स कॉल्ड बुलंद दरवाज़ा. तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है मुगल, इसमें मुगल्स का, अकबर का, बुलंद दरवाज़ा का, कि जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था किसको कॉमेमोरेट, किसको यादगार के तौर पर बनवाया गया था. तो अकबर की जो गुजरात की जो विक्ट्री थी उसे कमेमोरेट करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नॉर्मली आता है, इसमें भी पूछा गया है कि शेख सलीम चिश्ती जो उस टाइम के सूफी संत थे उस एरिया के, उनकी जो दरगाह है अंदर वो किस चीज़ से बनी हुई है. तो इसमें आप देख लेंगे द राइट आंसर इज लाइक मार्बल टूम्ब है उनका, मार्बल का बना हुआ है, वाइट उसका बना हुआ है. जबकि बाकी पूरा जो फतेहपुर सीकरी आप देखेंगे जो अकबर ने बिल्ड करा था वो पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन में है, लेकिन उसमें इकलौती जो स्ट्रक्चर है जो वाइट मार्बल का है वो है शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है. देन ये अजमेर के रास्ते में ही है, अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे आगरा से, इफ़ यू मूविंग टूवर्ड्स अजमेर, तो उसके डायरेक्ट रूट में पड़ता है ये. लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन देखोगे, ये कहता है कि इन 1585 द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर शिफ्टेड फ्रॉम फतेहपुर सीकरी टू दिल्ली. एक्चुअली दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि फतेहपुर सीकरी से जो कैपिटल ट्रांसफर हुई थी वो ट्रांसफर हुई थी लाहौर. 1586 के आसपास ये कैपिटल ट्रांसफर हुई थी. अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी से लाहौर ट्रांसफर करी थी 1598 तक. फिर 1598 में उन्होंने दोबारा से अपनी कैपिटल को आगरा ट्रांसफ़र कर लिया था. जहाँ तक दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र की बात है, तो दिल्ली को जो ट्रांसफ़र करा गया था वो ट्रांसफ़र करा गया था बाय शाहजहां इन द ईयर 1648. तो 1648 में दौलताबाद के नाम से उन्होंने, जब दिल्ली का नाम उन दिनों जो उस एरिया में ट्रांसफ़र हुई थी दैट वाज कॉल्ड दौलताबाद, तो दौलताबाद में उन्होंने ट्रांसफ़र करी थी इन द ईयर 1648. तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इट इज़ द डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी, जबकि होना चाहिए था कि फतेहपुर सीकरी टू आगरा. तो फतेहपुर सीकरी टू लाहौर, सॉरी. तो द राइट आंसर इज डी ऑप्शन. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन, जिसमें हम लोगों ने एनडीए फर्स्ट 2017 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करा है. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़, आप जो लाइक का बटन है यू कैन प्रेस दैट थिंग, और यू कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू वॉन्ट मोर ऑफ द वीडियोज. इफ यू हैव एनी कमेंट, इफ यू वॉन्ट टू से एनीथिंग और समथिंग टू मी, यू कैन जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन एंड गिव योर कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली गो थ्रू देम एंड इन फैक्ट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर अ फ्यू ऑफ देम ऑल्सो, राइट. थैंक यू सो वेरी नाइस ऑफ यू.